सुंदर बजा जैसे हम लोग पेड़ पे राधा कृष्ण भगवान जी बनाते हैं या फिर राम सीता का स्वयंवर बनाते हैं, इस टाइप से बनाते हैं। इस टाइप से बनाने से बहुत फ़ायदा है कि बनाने से पर्यावरण की रक्षा होगी और जैसे और आदमी देखते हैं तो उनको भी आश्चर्यचकित होता है कि हाँ ये पेड़ पे मतलब इतना अच्छा पेंटिंग है और लोग इसको काटना नहीं चाहते हैं, सोच के भी काट नहीं पाते हैं। मिथिला का एक बहुत बड़ा मधुबनी पेंटिंग विश्वविख्यात है, लेकिन ये जो पेड़ के ऊपर करना और पेड़ के पत्तों पे करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि ये यदि हम करते हैं तो मिथिलांचल की जो एक धरोहर है मधुबनी पेंटिंग उसका और भी विश्वविख्यात होगा, क्योंकि पेड़ ऐसा चीज़ है जो उसको रक्षा करने से हमारे जीवन के लिए बहुत ही फलदायक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केटिंग प्रॉब्लम होता है उसको भी सॉल्व होगा और इसमें कलाकारों को डायरेक्ट बाज़ार मिलेगा।